गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 15, दैट इज इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टुडेज आवर टॉपिक इज मेन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, मींस की इंडिया की मेन इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। लार्ज इंडस्ट्रीज आर यूजली लोकेटेड इन द विकनिटी ऑफ प्लेसेज वेयर रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड पावर आर ईजली अवेलेबल। देखो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो आमतौर पर वहाँ पर स्थित होती है जहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल, लेबर एंड पावर जो है वो बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। ये उन प्लेसेस पे ही स्थित होती है। मोस्ट लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट्स आर लोकेटेड आउटसाइड बिग सिटीज़। देखो, अगर आप देखोगे तो जो लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो ज़्यादातर ना बड़ी बड़ी सिटीज़ के आउटसाइड बाहर स्थित होती है। क्योंकि वहाँ पर क्यों स्थित होती है? क्योंकि वहाँ पर उन्हें आसानी से रॉ मटेरियल, लेबर और पावर जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री आर द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। देखो, हमारी देश की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में सबसे जो बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। इन इंडिया देयर आर मोर देन 2000 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। हमारे इंडिया में 2000 से भी ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। मोस्ट ऑफ देम आर इन मुंबई, जो कि ज़्यादातर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, कानपुर, अहमदाबाद, मदुराई, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, पानीपत एंड वाराणसी। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स जो है वो स्थित है। ओके, नेक्स्ट, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ऑल्सो प्रोड्यूस सिल्क एंड वुलन आइटम्स। देखो, जो टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं और वुलन के आइटम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन भागलपुर, वाराणसी, सूरत, मुर्शिदाबाद, कोयम्बटूर, कांचीपुरम, बेंगलोर एंड मैसूर। जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो मोस्टली यहाँ पे स्थित है, लोकेटेड है। नेक्स्ट, अमेजिंग फैक्ट्स। पंजाब प्रोड्यूस अबाउट 70% ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कॉटन इन इंडिया। इंडिया में पंजाब जो है वो बेस्ट क्वालिटी कॉटन को प्रोड्यूस करता है। कितना हिस्सा प्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी कॉटन का? 70%। ठीक है, इंडिया में अकेला पंजाब ही है जो बेस्ट क्वालिटी की कॉटन का 70% पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड एट श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्ज़ापुर एंड जामनगर। देखो, वुलन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो इन जगह पर स्थित है। There are many jute mills in and around Kolkata. देखो, बहुत सारी जूट मिल्स भी है जो कि कोलकाता के आसपास, कोलकाता में और कोलकाता के बाहर स्थित हैं। They are at टीटागढ़, होराहा, रिश्रा, नेहाटी एंड बर्ड्स। यहाँ पे जो है जूट की मिल्स जो है वो लोकेटेड है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। अगर देखो, हम शुगर की प्रोड्यूस करने की बात करते हैं कि जो शुगर है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे है जो कि शुगर को प्रोड्यूस करता है। मोस्ट शुगर मिल्स आर लोकेटेड एट प्लेसेस वेयर शुगर केन इज़ ग्रोन। देखो, जो शुगर की मिल्स होती है वो ज़्यादातर वहीं पर स्थित होती है जहाँ पर हमें आसानी से शुगर केन मीन्स की गन्ना मिल जाए। द मेन सेंटर्स आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स में जो है शुगर मिल स्थित है। ओके, नेक्स्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। एज द टूल्स एंड मशीन्स नीडिड इन द ऑल द अदर इंडस्ट्रीज आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील्स। क्योंकि जो टूल्स हैं, मशीन्स होती हैं, जिनकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज को नीड होती है, वो जो है वो किससे बनती है? आयरन और स्टील से ही बनती है। तो इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज माना जाता है। ओके, दस दिस इंडस्ट्री इज़ राइटली कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। तभी इस इंडस्ट्रीज़ को सभी इंडस्ट्रीज़ का क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है, मीन्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड एट प्लेसेज वेयर कोल एंड आयरन ओर आर ईजली अवेलेबल। देखो, जो बड़ी बड़ी आयरन और स्टील की प्लांट्स है वो कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर हमें आसानी से कोल, कोयला और आयरन ओर जो है वो बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। लाइक दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर, सलीम,
बर्नपुर एंड विशाखापट्टनम आर सम सच प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे क्या स्थित है, आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है। रेलवे कोच एंड इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग इज मेनली डन इन कपूरथला, वाराणसी, चितरंजन, कोलकाता, जमशेदपुर एंड पेरम्बर। देखो यहाँ पे जो है रेलवे कोच और इंजन जो है वो उनका निर्माण किया जाता है। रेलवे कोच क्या होता है, जो रेल के जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं उसको रेलवे कोच कहा जाता है। मोस्ट ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स आर इन गुड़गांव, कोलकाता, जमशेदपुर, नासिक, जबलपुर, पुणे एंड चेन्नई। ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो यहाँ पे स्थित है। ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स में क्या होता है, मोटर गाड़ी व्हीकल्स वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स आर लोकेटेड एट लखनऊ। अब देखो एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में, हैदराबाद, नासिक, बेंगलुरु एंड कोरापुट, ठीक है। एयरप्लेन्स आर मेड इन फैक्ट्रीज ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो एयरप्लेन्स जो है, एरोप्लेन्स जो है वो उन फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं जो कि इंडिया की गवर्नमेंट की ही फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। शिपयार्ड्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जहाज की कोई भी मरम्मत की जाती है। शिपयार्ड्स आर लोकेटेड इन विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई एंड मरमा गांव। इस जगह पे शिपयार्ड्स जो है वो स्थित है। शिप्स आर बिल्ट एट दिस शिपयार्ड्स। शिपयार्ड्स में ही क्या होती है, शिप्स बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रेंज बट ट्रू। देखो इस बात को देखो, ये स्ट्रेंज है बट ट्रू है। बेंगलोर वाज अ नेम कॉइन्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर द कन्वेंशनल नेम्ड BENDA बिंदा KAALWRO कलूरो, मीनिंग कुक्ड पीस। देखो जो बेंगलोर है उसका नेम जो है वो बेंगलोर क्यों गढ़ा था, क्यों बनाया गया था, क्यों दिया गया था बेंगलोर को बेंगलोर का नेम, क्योंकि जो बेंगलोर में कोई ब्रिटिशर्स थी जिसका पारंपरिक नाम क्या था, यही था, बिंदा कलूरो था, जिसका मीनिंग क्या होता है, कुक्ड पीस। इसी के नाम पर बेंगलोर का नेम बेंगलोर रखा गया था। रिसेंटली इट इज़ पॉपुलरली एक्सेप्टेड एस बेंगलुरु, मगर अब जो है वो बेंगलोर को किस नेम से जाना जाता है, बेंगलुरु के नेम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिल्ली, पंचकुला, लखनऊ, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोयम्बटूर एंड चेन्नई। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है वो कहाँ पे बनाई जाती है, वो इन्स जगह पे बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देयर आर मैनी अदर मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स, और भी हमारे लार्ज स्केल सेक्टर में बहुत सी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। दे इंक्लूड गारमेंट्स, उनमें क्या क्या इंक्लूड है, गारमेंट्स मीन्स की कपड़े वगैरह, पेपर, मशीन टूल्स, सीमेंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्लास एंड हैवी मशीनरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। और भी हमारी लार्ज स्केल सेक्टर में ये जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। द एडवांसमेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। इन्हीं की एडवांसमेंट के कारण ही हमारी देश की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो पाई है, ओके। मोर टू नो, आपको ये बात भी जाननी चाहिए, बेंगलुरु इज़ कोल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एज इट इज़ अ सेंटर ऑफ IT कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में IT कंपनीज का सेंटर जो है वो क्या है, बेंगलुरु है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज़ ए कंपैरेटिव रेफरेंस टू द ओरिजिनल, इसकी जो तुलना है वो किससे की गई है, जो हमारी ओरिजिनल सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट्स में जो सिलिकॉन वैली है उससे की गई है। विच इज़ ए मेजर सेंटर ऑफ IT कंपनीज इन द USA। USA में ये IT कंपनीज का सबसे बड़ा सेंटर है, उससे हमारे बेंगलुरु की जो है कंपैरेटिव मतलब तुलना की गई है, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।